بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا أهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آليك وأصحابك يا حبيب الله. تمام حضرات محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلیک واصحابک یا حبیب اللہ. مولای صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوهر الحسن فيه غير منقاسم يا اكرم الخلق مالي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الاقوال والكلم محمد ذكره روح لانفسنا محمد شكره فرض على الأمم ربي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله تبارك وتعالى جل جلاله وعم نواله وتم برهانه وعظم شانه وجل ذكره وعز اسمه كي حمد و ثناء اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے 18ویں سالانہ فہم دین کورس کی نشست میں آج ہمیں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے. رب ذوالجلال کے دربار میں دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ امت مسلمہ کو عروج عطا فرمائے اور رب ذوالجلال امت مسلمہ کو پہلے والی عظمت اور شان عطا فرمائے. چونکہ یہ امت آخری امت ہے اور ساری امتوں کی سردار ہے, رب ذوالجلال نے خیر امت کا لقب اسے عطا فرمایا ہے, تو اس امت کے افراد کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی صلاحیتوں کا جائزہ لیتی رہے
और जो कमी हो कोताही हो उसे दूर करती रहे। यकीनन इस उम्मत का उरूज वो था जब सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से फैजियाब हो रहे थे और आफ्ताब रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरणों से उनके जाहिर और बातिन रोशन हो रहे थे। आज हम अपनी बुलंदियों को इसी सूरत में पा सकते हैं कि जो अंदाज कुरून उला के मुसलमानों का था उसे इख्तियार किया जाए और बिलखुसूस उनमें से सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम जिन्हें आसमान हिदायत का सितारा कहा गया और सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जमाना मुत्तसिल होने की वजह से जिन्हें इस उम्मत का सिरदार कहा गया और फिर इस उम्मत को बाकी उम्मतों का सिरदार कहा गया। इस बुनियाद पर बाद के आने वाले हालात में या मुस्तकबिल में हमारे लिए कोई ऐसा मेयार नहीं है कि जिसको हम अपनी तरक्की का नुक्ता उरूज करार दें। हमारा उरूज वही है जो सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हो के कौलो अमल से जिसको पहचाना जा सकता है और उनके सीरत किरदार के लिहाज से जिसकी शनासाई हो सकती है। रब्बे जुल जलाल ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में ये इरशाद फरमाया है सूरह रात के अंदर, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौम हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, कि बेशक रब्बे जुल जलाल किसी कौम पर जो नेमत है उसे नहीं बदलता यहां तक कि वो कौम जो उनकी अपनी हालत है उसको बदल देते हैं। पहले तब्दीली किसी कौम में आती है, उनका रवैया बदलता है, उनके हालात अच्छाई से बुराई की तरफ तब्दील हो जाते हैं, तो फिर रब्बे जुलजलाल अपनी नेमत भी बदल देता है। जो अल्लाह की तरफ से पहले उन पर इनाम होता है, रब्बे जुलजलाल उस इनाम को खत्म कर देता है। तो इस उम्मत पर इनाम हुआ और सिरदारी मिली और रब्बे जुलजलाल ने अजमतें अता फरमाई, वो सियादत आज भी इस उम्मत की तब बरकरार रहेगी जब ये उसी हालत पे रहेगी जो हालत सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम की थी और जो तरीके हयात उनका था। अगर ये उम्मत उस रास्ते से हटती है यानी अपने अमल और किरदार के लिहाज से, तो फिर रब्बे जुल जलाल की तरफ से जो खसूसी नवाजशात थी उनमें भी फर्क आ जाएगा। इस बुनियाद पर कुरान मजीद बुरहान रशीद ने मुस्लिम उम्मा के अफराद को मुतवज्जे किया कि जो तुम्हारा कौलो फेल और सीरतो किरदार का निसाब आगाज में तुम्हें नजर आता है उसी पे तुम्हें कायम रहना चाहिए और उसी पे बरकरार रहने की वजह से ही तुम्हें दारैन की सादतें मुयसर हो सकती हैं। यकीनन आज का ईजादात का जमाना और रंगो नूर की नई दुनिया और मुख्तलिफ तरजीहात और मुख्तलिफ नए ख्यालात आज के हालात में मौजूद हैं। जाहिर है कि कुरून उला के मुसलमानों के लिए वो हिस्सी ज़ाहिरी सहूलतें नहीं थीं जो आज के मुसलमानों के लिए हैं, यानी सवारियों के लिहाज से, खानों के लिहाज से, कपड़ों के लिहाज से, आराम के लिहाज से, मगर उन पर जो रब्बे जुलजलाल का सबसे बड़ा करम था जिसके मुकाबले में आज की इन सहूलतों की कोई हैसियत नहीं है, वो सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
दौरे मुकद्दस में मौजूद होना था और सरकार की ज्यारत से मुशर्रफ होना था, जिसकी बुनियाद पर उनके बातिन भी रोशन, उनके जाहिर भी रोशन, उनकी सीरत भी उम्दा, उनका किरदार भी शुस्ता और रब्बे जुल जलाल के दरबार में वो ऊंचे मर्तबों पर फाइज हुए। तो हमें आज उनके निज़ाम हयात और उनके नक्शे अमल को और नक्शे कदम को सामने रखते हुए अपने आप को उस्तवार करना है, और जो कमी कोताही मुख्तलिफ जिहाद से वाकई हो चुकी है उस कमी कोताही को दूर करने की ज़रूरत है। बुखारी शरीफ में सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है, जिसमें उम्मत के अंदर जो इन्हितात आने वाला था और जो कमी आने वाली थी उसका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया कि पहले सहाबा का दौर, फिर ताबीन का, तबे ताबीन का दौर, और फिर चलते चलते उम्मत में जूं जूं वक़्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहरी हयात के ज़माने से दूर होता चला जाएगा तो उम्मत में कमज़ोरी आती चली जाएगी, उम्मत के अंदर मुख्तलिफ फितने आएंगे, मुख्तलिफ फसादात होंगे और मुख्तलिफ किस्म की बेचैनियाँ और इज़्तिराबात जो हैं वो जन्म लेंगे। इस सिलसिला में सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सही बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस वक़्त ज़माना बदलेगा, हालात तब्दील होंगे, हज़रत मिरदास असलमी रवायत करते हैं 6434 नंबर पे यह हदीस शरीफ बुखारी शरीफ में मौजूद है। हमारे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं यज़हबुस सालिहून अल अव्वलु फल अव्वल, नेक बंदे आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से उठ जाएंगे, यानी मुस्तकबिल का जिक्र करते हुए नेकी में कमी और नेकों में कमी इसका जिक्र किया और बदी का फैल जाना उसका तज़करा किया। यज़हबुस सालिहून अल अव्वलु फल अव्वल के सालहीन लोग जो हैं यके बाद दीगरे दुनिया से चले जाएंगे और उसके बाद क्या होगा, व तबका हुफाला और पीछे छान रह जाएगा, का हुफाला तिशईर अभी तमर, जिस तरह जौ का छान होता है और जिस तरह रद्दी खजूरें होती हैं, जौ का छान या खजूरों का ढेर हो उनमें से हर कोई अपनी पसंद की उठा ले तो पीछे जो रद्दी रह जाती हैं, फरमा इस तरह के फिर लोग पीछे बाकी रह जाएंगे। अब इस हदीस शरीफ में नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरतीब बयान की उससे भी ये बात वाज़ेह है कि तकवे का जोर और पारसाई की पावर कुरूने उला में थी और फिर उसके बाद बतदरीज कमी आना शुरू हो गई और चलते चलते आज जिस जमाने में हम हैं यहाँ तक बात पहुँची है, और अभी इसके बाद के जो हालात अगली सदियों में होंगे उनकी सूरत हाल मजीद दिगर गुं होगी। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरतीब को बयान किया इससे पता चलता है कि चूंकि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में रब्बे जुल जलाल के खलीफा आजम हैं और सारे कमालात और फजाइल का महवर आपकी ज़ात है, तो जो ज़माना आपके करीब था उस ज़माने को भी अजमत मिली और जो दूर है यानी ज़ाहिरी हयात से उसके अंदर फिर तब्दीली आती जा रही है, और यहाँ तक कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हत्ता तब का हुफाला का हुफाला तिशईर व तमर, यहाँ तक के लोगों के अंदर इंसानियत का छान रह जाएगा, सालहियत और मुस्लिहीन का पीछे छान बाकी रह जाएगा और सालहून जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से उठते चले जाएंगे। तो इस तरतीब से आपने ये जो इन्हितात का सफ़र है उम्मत का उसको ब्रेक लगाने का भी इशारा दिया कि इन्हितात रुक कैसे सकता है, जवाल को ख़त्म कैसे किया जा सकता है और फिर जवाल के बाद उरूज कैसे आ सकता है। तो जिस ज़ात की निस्बत से पहले उरूज था
आज भी उन्हीं की कुर्बत से इंसानियत को उरूज मिल सकता है, उन्हीं की तालीमात से फिर इस उम्मत को खोया हुआ वकार हासिल हो सकता है। उनके साथ कुर्ब जो है उसकी वजह से ही अजमतें मिलती हैं। इस बुनियाद पर क्योंकि आपका दिया हुआ कुरान हमारे पास मौजूद है, आपका दिया हुआ दीन हमारे पास मौजूद है, आपकी सुन्नत और आपके फरमूदात हमारे पास मौजूद हैं, सिर्फ ज़रूरत यह है कि आपकी ज़ात के साथ जो मोहब्बत और इताअत का रिश्ता है उस रिश्ते को मजबूत किया जाए, तो फिर आज के मुसलमान के लिए भी वकार, इज्जत और शान के दरवाजे खुल सकते हैं। और यही अल्लाह के हाँ भी मेयार है कि जिसे नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जितना कुर्ब हासिल होता है उसे अल्लाह का भी उतना ही कुर्ब हासिल होता है। और जो दरबारे रिसालत से दूर होता चला जाता है अपनी कोताहियों की वजह से, वो अल्लाह के दरबार से भी दूर हो जाता है। इस बुनियाद पर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस हदीस के आखिर में ये बता दिया, ला युबालिहिमुल्लाहु बालतन, कि जिस वक्त इन्हितात आ जाएगा, सालहीन दुनिया से चले जाएंगे और पीछे छान रह जाएगा, तो इन लोगों की हैसियत क्या होगी? फरमा रब इनकी कोई परवाह ही नहीं करेगा। ला युबालिहिमुल्लाहु बाला, अल्लाह उनकी कोई परवाह नहीं करेगा, ये लुगवी माना है। हालांकि रब्बे जुल जलाल को तो किसी की कोई परवाह नहीं है, खा कोई नेक हो या बुरा हो। यहां बयान करते करते फरमाया कि सालहीन चले जाएंगे, पीछे ऐसे रह जाएंगे कि जिनकी अल्लाह को कोई परवाह ही नहीं है। तो पता चला कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी रब के दरबार में वैल्यू बड़ी है और उनका लिहाज बड़ा है। परवाह होने से मुराद यहां पर उनकी इज्जत है, उनका मर्तबा है, उनकी वैल्यू है, उनका स्टेटस है कि रब्बे जुल जलाल अर्श पे फैसले करते हुए उन्हें सामने रखता है और उनकी वजह से खालिके कायनात औरों को भी माला माल फरमा देता है। तो यहां पर यह बताया गया कि जब सालहीन चले जाएंगे और उम्मत अपने महबूब अलैहिस्सलाम की जहरी हयात के जमाने से दूर होती चली जाएगी, तो फिर रब के दरबार से भी दूरी हो जाएगी। तो जिस वक्त उम्मत अपना कल्बी रूहानी ताल्लुक नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मजबूत करेगी, तो उसका फायदा यह होगा कि आपका भी कुर्ब मुयस्सर आया और फिर रब्बे जुल जलाल भी अपना कुर्ब अता फरमा देगा, जिसकी वजह से उम्मत की साख फिर बहाल हो जाएगी और खैरुल उम्मत के खैर होने के जो तकाजे हैं वो तकाजे सारे के सारे पूरे हो जाएंगे। इसी बुनियाद पर इन हालात को देखते हुए शायर मशरक ने इस उम्मत को इसके माजी का हवाला देते हुए नौजवानान को खिताब करते हुए कहा था, कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा, तमद्दुन आफरी खल्ला के आईने जहांदारी, वो सहराए अरब यानी शुतरबानों का गहवारा। ये माजी के झरोकों से इनको मुस्तकबिल की राहें तलाश करने की दावत दी गई। आज हम इस मौजू के अंदर अपने उन अजीम असलाफ की सीरत को और किरदार को सामने रखते हुए अपने मुस्तकबिल के लिए रोशनी तलाश करते हैं। और रमदानुल मुबारक के ये नूर अफजा लम्हात, इनके अंदर उम्मीदें ज़्यादा मजबूत होती हैं, दुआएं ज़्यादा कबूल होती हैं, हालात बदलते हैं और इनकलाब आता है इंसान की तबीयत के अंदर, माहौल के अंदर। तो इस जो महीने का इनकलाब है, इससे हम उम्मत में इनकलाब की खातिर अपने मुस्तकबिल की राहों को हमवार कर सकते हैं। इस बुनियाद पर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का हर हर अमल, हर हर अंदाज और सीरत का हर गोशा उसके अंदर हमारे लिए रोशनी है। हम उनका अकीदा देखें, हम उनका अमल देखें, हम उनके अफकार को देखें, हम उनके किरदार को देखें, हम उनके अतवार को देखें और हम उनकी दीनी रफ्तार को देखें। दामाने बागबां से कफे गुल फरोश तक,
बिखरे पड़े हैं सैकड़ों उनवा मेरे लिए, कहीं भी हमें वहां कोई कमी नजर नहीं आती, हर फील्ड में वो हमें आगे बढ़े हुए नजर आते हैं, और पहली उम्मतों के मुकाबले में उनका कद हमें हर फॉर्म पर ऊंचा नजर आता है। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन बावफा असहाब को रब्बे जुल जलाल ने अजल से सरकार के लिए चुना था, और हदीस में मौजूद है मेरे नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं, इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली असहाबी, रब्बे जुल जलाल ने अपने लिए मुझे चुना था और मेरे लिए मेरे रब ने मेरे सहाबा को चुना था, और खालिक कायनात ने अजल से ऐसे लोगों को भेजा, और फिर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे माहौल में भेजकर नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया कि उस माहौल के वो लोग जहीन भी होंगे, अमीन भी होंगे, बात समझ भी जाएंगे और बात पे पहरा भी देंगे, ना उन्हें कोई झुका सकेगा और ना कोई दबा सकेगा। तो सहाबा किराम अलैहि मुरिदवान ने नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सोज हासिल किया, उस सोज को बांटा, और आज भी हमारे लिए उसके हर पहलू के अंदर रोशनी मौजूद है। इस सिलसिला में दीन पर इस्तेकामत और पुख्तगी का जो सबक है, जो दीन की रूह है, इस वास्ते कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने पूछा कि मुझे मुख्तसर सा नुस्खा बता दो जिसके बाद मुझे किसी दवाई की जरूरत ही ना पड़े और हमेशा ही मेरा इलाज हो जाए और उसके बाद मुझे और कोई कोर्स ही ना करना पड़े। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुल आमंतु बिल्लाही सुम्म इस्तकिम, तुम कहो मैं अल्लाह पे ईमान लाया और इसके बाद फिर डट जाओ, पक्के हो जाओ, इस्तकामत इख्तियार करो। तो इस्तकामत जो है ये इस उम्मत की साख बहाल करने वाली चीज है, जिस बुनियाद पर आज के हालात में हम बहुत से लोग मजाज के कच्चे देखते हैं, पिलपिल होते हैं, कई लोगों में चढ़ते सूरज को सलाम करने की आदत हो जाती है, कुछ हवा का रुख देखते हैं, कुछ नई दुनिया के रंग देखते हैं और उसके बाद उनकी सोच में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। आज इन्हितात के सामने बंद बांधने के लिए और तरक्की और हकीकी अजमत के रस्ते की तरफ चलने के लिए हमें उस इस्तकामत की जरूरत है कि जो सहाबा किराम अलहमरिदवान में नजर आती है कि वो तूफानों के सामने डट गए, पहाड़ों की तरह जो कुछ भी हुआ उन्होंने अपनी राहें नहीं बदली, जो कुछ भी हुआ उन्होंने अपने मौकफ नहीं बदले, और जो कुछ भी हुआ उन्होंने अपने अफकार पर, मोतकदात और नजरियात पर कोई सौदेबाजी नहीं की, और बड़े बड़े आफात के सैलाबों से गुजर कर और आग और खून के समुंदर अबूर करके उन्होंने जो दौलत नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल की थी उस पर पहरा दिया है। इस वास्ते आज के इस बदलते हुए माहौल के अंदर हमें उस इस्तकामत की जरूरत है जो इस्तकामत सहाबा किराम अलहमरिदवान की जिंदगियों में सरकार के नूर के अल्फाज ने भर दी थी। आप देखिए जिस वक्त मुसैलमा कज़्ज़ाब ने अपनी झूठी नबूवत का ऐलान किया, हजरत खुबैब बिन रबी रदियल्लाहु ताला अन्हो आपको मुसैलमा कज़्ज़ाब के सामने पेश किया गया, तो मुसैलमा कज़्ज़ाब ने कहा, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हजरत खुबैब बिन रबी रदियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसने कहा, कुल अशहदो अन्न मुसैलमा रसूलुल्लाह, माज़ल्लाह ये कहो कि मैं गवाही देता हूं कि मुसैलमा रब का रसूल है। तो हजरत खुबैब चुप कर गए, खुबैब बिन रबी कहने लगे, ला असमाओ, मुझे आवाज ही नहीं आ रही, तुम बोलते क्या हो। अब उसने फिर कहा, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, उसने कहा कुल अशहदु अन्न मुसैलमा रसूलुल्लाह, कि मैं गवाही देता हूं कि मुसैलमा अल्लाह का रसूल है। आपने कहा मुझे तो समझ नहीं आती, तुम बोलते क्या हो। उसने कहा पहली बात की समझ आ जाती है, दूसरी बात की समझ क्यों नहीं आती। अगर तुम्हें कानों में कमजोरी है तो फिर तो पहला भी सुनाई नहीं देना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह सुन लेते हो और मेरी रिसालत वाला जुमला वो तुम्हें सुनाई नहीं देता और ना ऐसे बोलते हो। अब हजरत खुबैब
رضی اللہ تعالی عنہ کہتے بس یہ میرا مزاج ہی ایسا ہے کہ مجھے سچی بات سنائی دیتی ہے جھوٹی بات مجھے سنائی نہیں دیتی. اب اس بدبخت نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کے ایک بازو کاٹ دیا اور کہا قل لا الہ الا اللہ, کہو لا الہ الا اللہ. آپ نے کہا لا الہ الا اللہ, پھر اس نے اپنا کلمہ پڑھوانا چاہا, آپ نے فرمایا مجھے تو یہ سنائی نہیں دیتا تم کہتے کیا ہو. اس نے دوسرا بازو بھی کاٹ دیا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ناموس رسالت کے اسیر, عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا بلند کر رہے ہیں, ختم نبوت کے محاذ کے سپاہی ہیں اور ناموس رسالت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیے ہوئے ہیں. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب کسی کا سفیر آتا تھا تو وہ جیسا بھی ہوتا تھا اس کو کچھ نہیں کہا جاتا تھا, لیکن یہاں پر حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا تو آپ پہ تشدد کیا گیا, ایک ایک عضو کر کے آپ کا کاٹا گیا. یعنی ایک تو ہے کہ بیک وقت تلوار مارنا اور سر جدا کر دینا وہ علیحدہ بات ہے, مگر ایک ایک عضو کر کے کاٹنا یہ بڑی تعذیب ہے, یعنی اس کے اندر بڑا تشدد ہے, بڑا ظلم ہے. یہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جن کے جسم کا ہر ہر عضو باری باری کاٹا گیا اور ہر بار پوچھا گیا اور ہر باب مسلمہ نے اپنی رسالت کا اقرار کروانا چاہا, حضرت خبیب نے جسم کی بوٹی بوٹی کروا لی, مگر یہ نعرہ لگا رہے تھے شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے. اپنا سب کچھ پیش کیا ہے, استقامت کے ساتھ رہے ہیں, دنیا نے دیکھا, چشم فلک گواہ ہے کہ یہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائی اور شہدائی ہیں ان میں استقامت کتنی ہے, بات پکی کتنی کرتے ہیں اور پھر ڈٹ کیسے جاتے ہیں اور استقامت کا انداز کیسے ہوتا ہے. آپ نے وہ سارا تشدد برداشت کر لیا, مگر حتی لاکی ربہ صابرا محتسبا, یہاں تک کہ رب سے ملاقات ہو گئی, جامع شہادت نوش کر لیا ہے, مگر اپنے نبی علیہ السلام کی نبوت و رسالت پر کوئی آنچ نہیں آنے دی. آج ہمارے لیے وہی سبق ضروری ہے اور اسی کے لحاظ سے استقامت کا ہم سے تقاضا ہے اور اسی طرح ڈٹ جانے کا ہم سے ہماری شریعت تقاضا کرتی ہے. وہاں دیکھو حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ, ان کو ایک عیسائی بادشاہ نے قیدی بنا لیا اور پھر بہت سے چکمے دیے, رشتے شادیاں حکومت کے اندر شراکت سب کچھ, کہا کہ تم چھوڑو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو, اسلام کو چھوڑ کے میرے مذہب پہ آ جاؤ, تمہیں بادشاہی مل جائے گی. حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر چیز سے انکار کیا, یہاں تک کہ اس نے سمجھا کہ یہ تو بالکل بدلنے والے نہیں ہیں. اس نے آگ پہ تیل گرم کروایا اور حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کھولتے تیل کے پاس کھڑا کر کے کہا اب اگلے لمحے ہی تمہیں اس میں ڈالوں گا اور چمڑا جل جائے گا, ہڈیوں سے گوشت اتر جائے گا اور تم اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے, اس واسطے اب بھی وقت ہے کہ تم اس غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پٹا گلے سے اتارو, اس دین حنیف اسلام کو چھوڑو اور ہمارے مذہب کو قبول کر لو. تو حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آپ نے فرما ہرگز میں ایسا نہیں کر سکتا. اس نے جس وقت دیکھا کہ آنسو آ گئے ہیں تو سمجھنے لگا کہ شاید کچھ نہ کچھ تو اثر میرا ہو گیا ہے, پہلے آنسو نہیں تھے صرف انکار تھا, اب اگرچہ انکار تو ہے مگر آنسو آ گئے ہیں تو شاید مزید دباؤں گا تو یہ اپنا نظریہ بدل لیں گے. اس نے جس وقت آنسو دیکھے تو اس نے مزید جس وقت زور لگایا اور کہا اب تم رو رہے ہو اور اس کے بعد جان نکلنے والی ہے, تو حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے ما بقی تو خوفن علا نفسی, میں رویا اس لیے نہیں کہ مجھے جان پیاری ہے, تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے, میرے رونے میں بھی ایک سبق ہے, میرے رونے میں بھی تمہارے لیے ایک تھپڑ ہے, میرے رونے میں بھی استقامت کا نعرہ ہے. میں اپنی جان کے لیے نہیں رو رہا کہ وقت آ گیا شہادت کا اور میں دنیا سے جا رہا ہوں,
और जान की मुझे प्यार जान की मोहब्बत मेरे सामने आई हो, ऐसा हरगिज नहीं है। सयाद शादमा है, मगर ये तो देख ले मैं आ गया कि साया तहे दाम आ गया। तुम मेरे आंसुओं का मतलब गलत समझे हो, मैं हरगिज अपनी जान के लिए नहीं रो रहा। मैं क्यों रोया हूं, ला क्यों वदिप्तो अन्नाली नफूसन अदद शारी तो अज्जबो फी सबीलिल्लाह। मैं रोता इसलिए हूं कि महबूब बड़े हैं और जान सिर्फ एक है। काश कि मेरे हर बाल में एक जान होती, मेरे हर रोंगटे एक जान होती, और मैं इतनी जानें कुर्बान करके अपने महबूब के नाम को सलामी पेश कर देता। ये अंदाज इस्तकामत का हर तरफ सहाबा किराम अलैहिम रिदवान में मौजूद है। वो हजरत अम्मार बिन यासिर रदियल्लाहु ताला अन्हु का तशद्दुद को बर्दाश्त करना, उनके अब्बाजी हजरत यासिर और उनकी अम्मी हजरत सुमैया रदियल्लाहु ताला अन्हुमा का राह हक में अपने आप को पेश करना और इस्तकामत का इजहार करना, ये हमारे लिए वो सबक है कि जो सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से बेहतरीन जमाने के लोगों के ईमान और उनके किरदार के अंदर हमें जो ताजगी मिलती है, जो सबक मिलता है, जो रोशनी मिलती है, उसी के लिहाज से आज हमारे लिए चांदनी है। आज जिस वक्त हालात के मुख्तलिफ तूफान उभरते हैं, हमारे लोगों की कई हालतें इल्ला माशाल्लाह बदल जाती हैं। कोई तड़पता है किसी मुल्क के वीजे के लिए तो कोई फॉर्म फिल कर लेता है, कोई तड़पता है किसी कारोबार के लिए तो किसी बदअकीदगी को अपने सीने से लगा लेता है। यहां सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का अंदाज देखो, जिस वक्त हजरत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ बाइकाट कर दिया गया, सारे सहाबा को नबी अलैहिस्सलाम ने रोक दिया कि इनसे कोई गुफ्तगू नहीं कर सकता। वो मदीना शरीफ में रहते हुए भी अजनबी हो गए हैं, अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं वो भी नहीं बोलते, रिश्तेदारों से मिलते हैं वो भी नहीं बोलते, और बिल्कुल वो सबसे कट के रह गए हैं। बड़े परेशान हैं कि सरकार भी नाराज हैं और सारे सहाबा भी गुफ्तगू ही नहीं करते, अल्लाह ताला भी नाराज है। हजरत काब बिन मालिक ये दिन इब्तिला के गुजार रहे थे कि मलके गस्सान की तरफ से हजरत काब के लिए वीजा आ गया। एक शख्स पूछ रहा था मदीना शरीफ में कि काब बिन मालिक कहां हैं, उनको मलके गस्सान ने यह खत भेजा है। हजरत काब बिन मालिक की तरफ सहाबा ने इशारा किया, बोल के नाम लेना भी किसी को बर्दाश्त नहीं था कि सरकार ने रोका हुआ है। वो जिस वक्त इंसान वो सफीर पहुंचा हजरत काब बिन मालिक के पास, आपने वो खत देखा तो लिखा था कि तुझ पर मदीना शरीफ की रियासत के वाली हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्म कर रहे हैं और तुझे बिल्कुल मुनकते कर दिया है और तुझसे अपनी रहमतें अपनी शफकतें पीछे हटा ली हैं, अपने दोस्तों को भी रोक दिया है और तुम्हारे रिश्तेदारों को भी तुमसे जुदा कर दिया है, तुम्हारे लिए मदीना शरीफ में जमीन तंग हो गई है, तुम हमारे पास आ जाओ, कोठी भी मिलेगी, सवारी भी मिलेगी, आसाइश होगी, बड़ी अच्छी रिहायश होगी, तुम्हें सब कुछ मिलेगा और तुम्हें जिंदगी का मजा आएगा। हजरत काब बिन मालिक ने जब खत पढ़ा तो सीधे तन्नूर के पास पहुंचे, आग में उस खत को डालकर जलाकर मलके गस्सान को पैगाम भेजा कि मुझे सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफीय मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी में रहना तुम्हारी इन सहूलतों से कहीं ज्यादा अच्छा है। यहां सरकार को देख तो लेता हूं, अगरचे सरकार अब नाराज है लेकिन राजी तो हो जाएंगे। मैं ऐसा नहीं हूं कि जिस वक्त कोई कमी बाकी हो तो नजरिया बदल जाऊं, जिस वक्त उनकी शफकत में फर्क आए तो मैं देश बदल जाऊं, जिस वक्त उनकी तरफ से मेरी बेहतरी के लिए सख्ती हो तो मैं किसी और मुल्क का वीजा लगवा के अपने नजरिए का सौदा करके चला जाऊं। फरमा नहीं, मैं यहीं रहूंगा, इनकी निगाह के सामने रहूंगा। इस बुनियाद पर आज इस्तकामत का सबक हमारी इस जिंदगी के अंदर हमारे लिए एक मुकम्मल लाहे अमल की हैसियत रखता है। वो पुराना उरूज जो था उम्मत मुस्लिमा के अंदर फिर इसी सूरत के अंदर आ सकता है कि जिसकी वजह से हम अपने अहवाल को सही करते हुए, अपने किरदार को सही करते हुए इस कदर इस्तकामत हो कि किसी मौका पर भी इंसान ये ख्याल ही ना करे कि मैं इस दीन से, इस ईमान से, इस अकीदा से कोई एक इंच भी आगे पीछे हो जाऊं। जो इस्तकामत और पुख्तगी के साथ रहने वाला है यकीनन रब्बे जुल जलाल उसे भी उस पहले दौर की अजमतें अता फरमाने वाला है। यहां पर
जिस वक्त हम मजमूई तौर पर एक सूरत हाल का अंदाजा करते हैं, उन कुरून उला से मुत्तसिल जितने भी हमारे अदवार हैं उनके अंदर जो शौक है इल्म हिकमत के लिहाज से, उस इल्म हिकमत के शौक का भी आज हमसे तकाजा है। क्योंकि दीन में इस्तकामत के शोभा जात का पता ही तब चलेगा जब वो अंदाज होगा जो उन लोगों का कुरान और सुन्नत के समझने के लिहाज से अंदाज था। आज हमारे लिए, हमारी औलादों के लिए कई किस्म के मसाइल हैं, फितने हैं, और अब तो सूरत हाल ऐसी है कि जो एलीट क्लास है वहां बच्चे जवान भी हो जाते हैं, और यहां तक कि किसी को नमाज जनाजा की दुआएं नहीं आती, तरीका नहीं आता, तस्बीहात का पता नहीं है, और कुछ मरने तक पहुंच जाते हैं और बेखबर होते हैं कि इस्लाम के फराइज क्या हैं। वाजिबात, सुनन और मुस्तहबात तक की बात तो बड़ी दूर की बात है, दूसरी तरफ हमें वो मंजर भी नजर आता है जिस वक्त इस मिल्लत का एक बेटा जिन्हें इमाम बुखारी के नाम से याद किया जाता है वो अपने असास्ता के पास पढ़ने के लिए जाते हैं, तो हदीस के लफज तो लफज रह गए, उन्हें सनदें भी इतनी याद हैं। सनद जो हदीस के टेस्ट के साथ जिसको पढ़ के फिर हदीस को पढ़ा जाता है, यानी आज मैं पढ़ता हूं तो मैं अपने उस्ताद का नाम लूंगा, वो मेरे उस्ताद अपने उस्ताद का नाम लेंगे, इस तरह बात चलते चलते जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार तक पहुंचेगी। इस तरह ये हदीस की सनद का सिलसिला होता है। अब सनदें लंबी हो गई हैं क्योंकि दरमियान में बहुत से वसायत आ गए हैं, कहीं सदियों का सफर दरमियान में मौजूद है। हजरत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह तआला इमाम दाखिली के पास इल्म हदीस पढ़ने गए थे, और ये 205 हिजरी की बात है। 205 हिजरी में एक तालिब इल्म उस्ताद के पास हदीस पढ़ रहा है, और उस्ताद ने हदीस पढ़ाते वक्त हदीस की सनद बयान की। सनद में अल्फाज थे हद्दसना सुफियान अन अबी जुबैर अन इब्राहिम, कि मुझे हदीस बयान की सुफियान ने, और जो सुफियान है उनको हदीस बयान की अबू जुबैर ने, और जो अबू जुबैर हैं उनको हदीस बयान की हजरत इब्राहिम ने। अब यह सनद पढ़ी गई और आगे हदीस बयान की गई, तो इमाम बुखारी को इतनी महारत हासिल थी, अभी वो बचपन का जमाना, यानी उम्र जो है वो बिल्कुल महदूद सी है, उस वक्त भी इतनी महारत है, यानी पता है कि सुफियान नामी इंसान के उस्ताद कौन कौन है, और अबू जुबैर नामी इंसान के शागिर्द कौन कौन है, और इब्राहिम नामी इंसान के तलामजा कौन कौन है। जब सुना कि उस्ताद तो हदीस यूं पढ़ा रहे हैं कि सुफियान ने अबू जुबैर से रिवायत की, और अबू जुबैर जो है उन्होंने इब्राहिम से रिवायत की, तो हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे इन अबस जुबैर लम यर्व इन अन इब्राहिम, कि अबू जुबैर तो इब्राहिम के शागिर्द ही नहीं है, तुम कहते हो कि अबू जुबैर ने इब्राहिम से हदीस रिवायत की, इब्राहिम के शागिर्दों में अबू जुबैर नहीं और अबू जुबैर के उस्तादों में इब्राहिम नहीं, तो यह किस तरह हो सकता है कि अबू जुबैर फिर इब्राहिम से रवायत करें। अब एक 16-17 साल का बच्चा वो इस कदर महारत रखता है दीन के उमूर के अंदर कि अल्फाज हदीस के उनकी तो एक अलहदा लज्जत है, उसे याद करना वो एक शौक मजीद है, लेकिन लोगों के नाम याद करना और तारीफ, और फिर हर एक के शागिर्द, हर एक के उस्ताद, कुछ लोग शाम के हैं, कुछ मिस्र के हैं, कुछ इराक के हैं, दूर दराज शहरों में रहते हैं और हदीस के रावी हैं। अब यहां पर हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस वक्त यह कहा कि ऐसी तो कोई बात है ही नहीं कि जो अबू जुबैर इब्राहिम से रिवायत करें, आप किस तरह कहते हैं कि अबू जुबैर ने इब्राहिम से रिवायत किया है, आपने जिस वक्त टोका तो कहते फन तहरानी, उस्ताद साहब ने इमाम दाखिली ने मुझे झिड़की दी कि तुम इस पे एतराज क्यों करते हो, ये ऐसे ही है जैसे मैं पढ़ा रहा हूं। तो कहते हैं कुल तो लहू इर्ज इलल असल, मैंने कहा उस्ताद साहब आप अपना रजिस्टर देखें जिस पे आपने अपने असाज़ा से हदीस लिखी थी और उसमें संदे लिखी थी कि कौन किस से रवायत करता है। अब इमाम दाखिली उठे, घर गए और वो अपनी अमाली और जो कलम से लिखे हुए रजिस्टर थे उनमें चेक किया, और ये हदीस जो है इसकी सनद देखी, देख के फिर आए, आके कहा कि बुखारी जो तुम कहते हो सच कहते हो, अपना रजिस्टर जो है
उसको देखकर और इमाम बुखारी जो बहसियत शागिर्द बैठे हैं उनके अंदाज को देखो, आज का 16 साल का बच्चा उसकी क्या कैफियत है और उस वक्त के 16 साल के इंसान का इल्म का अंदाज क्या है। और ये इस उम्मत की महारत है, यानी आप अंदाजा लगाएं, बिला वजह सिरदार नहीं है कि पहली उम्मतें अपने पैगंबरों की किताबें महफूज ना रख सकी। इस उम्मत ने किताब भी महफूज रखी और अपने नबी अलैहि सलाम का हर खिताब भी महफूज रखा, और फिर सिर्फ खिताब ही महफूज नहीं रखा, खिताब को रिवायत करने वालों को भी महफूज रखा कि कौन किस जमाने में करता रहा है, किससे किसकी मुलाकात हुई है, कोई किससे कितनी बार मिला है, कोई किससे क्या क्या पढ़ता रहा है, हर चीज पे पहरा दिया है। और फिर जाके ये सौगात तैयार की है। इस बुनियाद पर आज भी हमें यह सआदत हासिल है कि हम जिस वक्त सनद के पहरे में हदीस के फनून तकरीबन 65 उलूम हैं सिर्फ हदीस को पढ़ने के लिए, 65 शोबाजात हैं, 65 फनून के अंदर बंदे को महारत हासिल हो तो फिर वो माहिरे उलूम हदीस होता है। ये हदीस के खरे खोटे को पहचानने के लिए कि मिलावट ना कहीं हो जाए, लफ्ज सरकार का ना हो और कोई शामिल ना कर दे, उन अल्फाज को सरकार की हदीस से दूर रखने के लिए जो किसी और के हों, 65 उलूम का पहरा इस उम्मत ने लगाया हुआ है। और 65 उलूम वो आसमान से नाजिल नहीं हुए थे, इस उम्मत की जहानत ने रब की तौफीक से पैदा किए थे और जहानत ने वो उलूम बनाए हैं जिसकी बुनियाद पर इस उम्मत को ये सआदत हासिल है। आज हम 15वीं सदी में भी ये सआदत रखते हैं कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने आज से सदियों पहले जो जुमले इरशाद फरमाए थे आज भी हूबहू वही जुमले जेर जबर के फर्क के बगैर भी हमें सुनने को मिल सकते हैं। ये रोजाना जो हदीस शरीफ पढ़ते हैं सनद के साथ, और जिस वक्त वो सनद अपनी तमाम कुव्वतों के साथ मौजूद है तो फिर हदीस शरीफ यूं ही है जैसे महबूब अलैहिस्सलाम की जुबान से निकल रही है और उम्मती के कानों में दाखिल हो रही है। अगरचे उस आवाज की तासीर अपनी थी मगर अल्फाज के पुख्तगी के लिहाज से और अल्फाज की हिफाजत के लिहाज से आज भी हूबहू वही जुमले हमारे सामने हैं कि जो जुमले सदियों पहले हमारे नबी अलैहिस्सलाम की जुबान से जिनका सुदूर हुआ था। इस तरह अमल के साथ साथ, इल्म के साथ अमल की वो हैसियत कि जिसमें हमें हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला का वो अंदाज मिलता है कि इस वक्त एक शख्स को कपड़ा बेचने के लिए भेजते हैं और उसे ये बताते हैं कि फलां कपड़े के अंदर थोड़ा सा ऐब है, जब बेचोगे तो गाहक को बताओगे कि ये कपड़ा इसके अंदर ऐब मौजूद है। वो जो आपका खादिम कारोबार के लिए जाता है कपड़ा बेच के आ गया और बाकी जितनी गठड़ी थी सब जो फरोख्त किया है इमाम साहब को आके बताया, पैसे देने लगा तो पूछा क्या तुमने गाहक को बताया था कि इसमें ऐब मौजूद है, तो उसने कहा मैं तो भूल गया था, मैं नहीं बता सका। तो इमाम साहब ने कहा फिर आज जितनी भी सेल हुई है सारी अल्लाह के रस्ते में सदका कर दो, मैं इसको वसूल नहीं करूंगा, तुझ पे मैंने लाजिम किया था कि तुम इस तरह पहले बताओगे। तकवा पारसाई के लिहाज से ऐसे ऐसे हमें वो किरदार नजर आते हैं उन सदियों में, और इस अंदाज का हमें मंजर नजर आता है कि आज ये जो फराड का और दजल और किजब और फरेब का जो माहौल बना हुआ है, अगर क्रून ओला के उन मुसलमानों की उन अदाओं को देखा जाए तो यकीनन इस उम्मत की अदाओं में आज भी नूर भरता है। और हमें ये बात अजर में शम्स होती है कि अगर उरूज पाया जा सकता है तो फरेब और फराड से नहीं पाया जा सकता, वो हराम की कमाई से नहीं पाया जा सकता, वो मदीना शरीफ के दिए हुए पैगाम से पाया जा सकता है। ऐसे ही सदियों की इस मुसाफत में हमारे अकाबिर का जो सबक है उसमें तसव्वुफ की वो कैफियत जो सूफिया ने जिसको उम्मत की सौगात बनाया, यानी इसके शोबाजात हैं उम्मत के, लफ्ज भी महफूज है माना भी महफूज है, और लफ्ज की वर्डिंग के लिए प्रोनंसिएशन के लिए किरात है तजवीद है, फिर इराब के लिए सरफो नहव है, और फिर कैफियत के लिए तसव्वुफ का इल्म है कि वो कैफियत जो उस वक्त सहाबा पे तारी होती थी जब नबी अलैहिस्सलाम की बातें सुनते थे, अगरचे आज हूबहू तो नहीं आ सकती लेकिन हमें इस सिलसिला की कोशिश तो करनी चाहिए। इस बुनियाद पर आज हमारे लिए वो सूरत हाल तसव्वुफ के रोशन
اب باپ کی شکل میں موجود ہے، یہاں تک کہ حضرت پیران پیر، پیر دستگیر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی کے جو خطبات ہیں، آپ کی جو مجالس کے اندر اور بالخصوص الفتح الربانی کی مجلس نمبر 45 کے اندر آپ کا جو سبق ہے اس کو دیکھیں تو پتا چلے گا ترقی کیا ہے، تنزل کیا ہے، عروج کیا ہے، زوال کیا ہے، اور آج کے لیے بھی کیسی سوغات ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اسلام کی تعلیمات کو جذب کیا اپنے سینوں میں اور اس کے بعد اس کی خوشبو کو عام کرتے رہے. حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، العبد یترقى من الاسلام الى الایمان، بندے کی جب ترقی ہو تو مسلمان سے مومن بنتا ہے، پہلے اسلام ہوتا ہے اور پھر ایمان آتا ہے، جس طرح وہ قرآن مجید میں ہے، قالت الاعراب آمنا، اعراب نے کہا، بدوؤں نے کہا ہم ایمان لے آئے، اللہ نے فرمایا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، محبوب انہیں کہہ دو تم ایمان نہیں لائے، ابھی تم اسلام لائے ہو، ابھی تو تم مطیع ہوئے ہو ہمارے، ایمان پھر تمہارے دلوں میں داخل ہوگا، اسلام ظاہر میں ہے، ایمان باطن میں ہے. تو حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اس وقت العبد یترقى من الاسلام الى الایمان، بندے کی ترقی ہے کیسے، اسلام سے ایمان کی طرف. اب آپ نے سوچنا ہے، ایک ترقی آج ہم سوچتے ہیں، ایک حضرت غوث پاک نے سوچی تھی، تو محض گیارہویں منانا ہی کافی نہیں، ان کی یاد میں ان کے سبق کو دہرانا بھی ضروری ہے تاکہ ترقی ملے. نہ ترقی کیسے ہوتی ہے، ترقی یہ ہے کہ بندہ اسلام سے ایمان کی طرف جاتا ہے، وَمِنَ الْإِيمَانِ إِلَى الْإِيقَانِ، اور جب رینک بڑھے ایمان سے تو پھر ایقان کے مرتبے میں پہنچ جاتا ہے، وَمِنَ الْإِيقَانِ إِلَى الْمَعْرِفَةِ، اور جب ایقان سے اس کو ترقی ملے تو پھر اس کا گریڈ معرفت تک پہنچتا ہے. اب دیکھو ترقی کے مراحل، پہلے اسلام، پھر ایمان، پھر ایقان، اور پھر معرفت، وَمِنَ الْمَعْرِفَةِ إِلَى الْعِلْمِ، اور پھر معرفت سے علم تک جا پہنچتا ہے، وَمِنَ الْعِلْمِ إِلَى الْمَحَبَّةِ، اور علم سے محبت تک ترقی ہوتی ہے، وَمِنَ الْمَحَبَّةِ إِلَى الْمَحْبُوبِيَّةِ، اور جس وقت مقام محبت میں پہنچا ہو تو اس کے بعد ترقی ملے تو مقام محبوبیت میں جا پہنچتا ہے. محبوبیت کس کی؟ رب کی محبوبیت. پہلے سارے درجات میں ترقی کے بعد محب خدا بن گیا، محب الہی بن گیا، اور جب اس میں ایڈوانس ہوا تو پھر محبوب خداوند بن گیا، وہ محبوبیت کے مقام پہ فائز ہو گیا. غوث پاک کہتے ہیں ترقی یہ ہے کہ بندہ بڑھتے بڑھتے رب کا محبوب بن جائے، بڑھتے بڑھتے وہ ایسا ہو کہ رب اسے دیکھ کے خوش ہو اور رب اسے پیار کرے، اللہ اس سے محبت کرنا شروع کر دے. اب مسئلہ اسلام سے شروع ہوا، اور جو اسلامی جس میں نہیں ہے اس میں ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے. اگر کوئی اس کو تصوف کہتا ہے تو دھاندلی کرتا ہے، اگر اس کو کوئی طریقت کہتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. یہ جو ولیوں کے سردار ہیں غوث پاک، یہ تو جو ترتیب بتا رہے ہیں اس کا آغاز ہی اسلام سے ہے، اسلام سے ایمان، ایمان سے ایقان، ایقان سے معرفت، اور معرفت سے پھر علم، اور علم سے محبت، اور محبت سے محبوبیت. اس انداز میں بندے کی ترقی ہوتی ہے، اور جس وقت محبوبیت تک پہنچتا ہے تو اس ترقی کی لذت کیا ہوتی ہے. حضرت غوث پاک کہتے ہیں، فہین اذن لا یزال ابدا مستیقظا، جب محبوبیت میں بندہ پہنچ جائے تو پھر ہمیشہ بیدار رہتا ہے، ہمیشہ جاگتا رہتا ہے. جاگنے سے یہ مطلب نہیں کہ آنکھیں بند نہیں ہوتی، جاگنے سے مطلب یہ ہے آنکھیں بند ہو پھر بھی جاگتا رہتا ہے. جب محبوبیت پہ پہنچ جائے، چونکہ ایڈوانس بڑا ہو گیا ہے، اب وہ کیا ہے، لا یزال ابدا مستیقظا، وہ ہمیشہ بیدار رہتا ہے. اور اس کو بیداری کہاں سے ملتی ہے؟ کہتے ہیں وارث الیقظۃ من النبی علیہ الصلاۃ والسلام، اسے بیداری سرکار سے ورثے میں مل جاتی ہے. چونکہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تنام عینا یا ولا ینام قلبی، آنکھیں سوتی ہیں دل میرا جاگتا رہتا ہے. اب یہ ورثہ رب سے نہیں ملتا، رب سے تو فضل ہے، کیوں سونا رب کی شان ہی نہیں کہ کوئی کہے کہ ورثہ تو رب سے ملنا چاہیے کہ آنکھیں بند ہوں دل جاگتا رہے. رب تو دل سے پاک ہے، رب تو اعضا سے پاک ہے،
रब तो सोने से पाक है और सो के दिल के जागने से पाक है, इस वास्ते ये बेदारी मिली तो कहां से। हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये बेदारी मिल गई है अपने नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। क्यों? फरमाया कानत तनामु ऐनायहु वला जनामु कल्बहु, इस वास्ते कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम की ये शान थी, ये शान कि आप सो जाते थे जाहिरी हयात में और आंखें सोती थी, दिल फिर भी जागता रहता था। फिर वकान जरा मिम वराही कमा जरा मिन अमामही, फरमाया जैसे आगे देखते थे ऐसे ही हमारे नबी अलैहिस्सलाम पीछे भी देखते थे, आगे देखते हुए पीछे देखते थे। वैसे तो हम में से हर एक आगे भी देख लेता है पीछे भी देख लेता है, मगर यहां जो खसूसियत है मेरे नबी अलैहिस्सलाम की कि आगे देखते हुए ही पीछे भी देख रहे होते थे। जिस तरह जमात कराते कराते सलाम फेरा तो सलाम फेरती बुलाया कि तुम देख नहीं रहे, समझते हो मैं सिर्फ आगे ही देख रहा हूं, मैं जैसे आगे देखता हूं ऐसे पीछे भी देख रहा हूं, तुम सजदे सही करो। तो इस बुनियाद पर फरमाया ये इस वली को जिसको तरक्की मिले उसे बेदारी मिलती है, बेदारी नहीं ऐसी कि नींद ही खत्म हो जाए, हाँ नींद आ जाए, आंखें सोती हैं दिल फिर भी जागता रहता है। अब सवाल पैदा हो रहा था कि उधर सरकार की ये शान है इधर उम्मती की ये शान, तो क्या दोनों एक जैसे हो गए? ये एक जैसे वाला मर्ज तो दूसरे लोगों में है, हम में तो ये मर्ज नहीं है, यहां तो कोई उन जैसा हो ही नहीं सकता, और इधर वो भी बेदार और ये भी बेदार और एक जैसी बेदारी, ये कैसे हो सकता है? हजरत गौसे पाक कहने लगे गैरा अन्न नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यासिलु अहदुन इला यक्ज़ाति ही, ना कोई उम्मती जितना भी एडवांस हो जाए उसे वो बेदारी नहीं मिल सकती जो बेदारी रब ने मेरे महबूब को अता फरमाई है। रब बेदारी आ जाती है मगर वो बेदारी सरकार की वो अपने ही खासा है उनका, जो उनकी बेदारी है। अब इस बात पर पहुंचकर फरमा ला यक दिर अहदुन युशारे कऊफी खसाई से ही, किसी में ये ताकत नहीं है कि वो हमारे नबी अलैहिस्सलाम का शरीक बन सके आपकी खसूसियात में। आप अपनी खसूसियात में वहदा हैं, एक हैं, आपके साथ कोई शरीक नहीं है। फरमाया जब नबी भी शरीक नहीं है तो वली कैसे शरीक होंगे उन खास बातों के अंदर जो नबी अकरम नूर मुजस्सम ने खुद अपने खसाइस बयान किए। लेकिन इस बेदारी के लिहाज से उम्मत और औलिया का जिक्र करते हुए किसी में यह ताकत नहीं है कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खसूसियात में शरीक हो सके। गैरा अन अल अब्दाला वल औलिया मिन उम्मतिही यरिदून अला बकाया तामिही व शराबिही, फरमा असल में बात यह है कि जो इस उम्मत के औताद हैं, अब्दाल हैं, औलिया हैं, इनकी कैफियत क्या है? फरमा इनकी कैफियत यह है कि जो खाना मेरे नबी अलैहिस्सलाम खा के पीछे तबर्रक छोड़ते हैं वो तबर्रक ये वली खा जाते हैं, जो पानी पी के सरकार पीछे तबर्रुक छोड़ते हैं वो तबर्रुक ये वली हासिल कर देते हैं। और फिर इस अंदाज में यो तौ न कतरा तम मिम बहारे मकामाते ही, फरमा सरकार के जो फजाइल के समुंदर हैं उनमें से जिसे एक कतरा भी मिल जाता है वो भी जमाने का ताजदार बन जाता है। तरक्की इस अंदाज में है। तनज्जुल को दूर करने के लिए हजरत गौसे पाक का पैकेज तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। और कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने इस पस मंजर में, तुम्हें बगदाद शरीफ के उस मर्द हक प्रस्त की फिक्र की तरफ मुतवज्जे कर रहा हूं कि ये अंदाज उम्मत में तनज्जुल को दूर करने के लिए, तरक्की को इख्तियार करने के लिए, कुर्ब खुदाबंदी के हुसूल के लिए इस अंदाज में मेहनत होनी चाहिए, इस अंदाज में कोशिश और काविश होनी चाहिए। फरमाया जिसको महबूब अलैहिस्सलाम के फजाइल के समुंदरों में से एक कतरा भी मुयस्सर आ जाता है रब्बे जुल जलाल उसे भी नींद के अंदर ही बेदारी अता फरमा देता है। इस बुनियाद पर आज के इस मौजू के खुलासा के लिहाज से हम आज देखें कोई ऐसा भी हो जिसे जिंदगी भर तिलावत कुरान मुयस्सर ना आए, कोई ऐसा है जिसके साल के साल तिलावत के बगैर गुजर जाए, कोई ऐसा है जिसके महीने तिलावतों से खाली हों, और उधर हमें वो मकाम नजर आता है मदीना शरीफ की सरजमी है, रात का वक्त है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम गुजर रहे हैं,
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ہے، سرکار سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ چلتے جا رہے ہیں۔ جب ابو موسیٰ اشعری کا گھر آیا، تلاوت قرآن کی آواز آئی، میرے نبی علیہ السلام دروازے پہ کھڑے ہو گئے، سنتے رہے سنتے رہے۔ مستدرک للحاکم میں حدیث شریف موجود ہے، جب صبح ہوئی تو ابو موسیٰ اشعری جب ملنے آئے تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آج رات ابو موسیٰ ہم نے تمہارا انداز دیکھا، رات تلاوت قرآن بڑے اچھی انداز میں کر رہے تھے تم۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے، لو علم تو بے مکانے کا لحبرتہ تحبیرا، محبوب مجھے پتہ نہیں چل سکا، اگر پتہ چلتا کہ آپ سن رہے ہو تو میں تو مزید خوبصورت انداز میں پڑھتا، مزید اچھے انداز میں پڑھتا۔ ان کی راتیں تلاوت قرآن میں اس انداز میں گزرے تو آج عروج کے حصول کے لیے پھر لاحے عمل بھی ان جیسا ہونا چاہیے۔ وہاں پر صورتحال ہر انداز میں اتنی واضح ہے، آج لوگ مارے مارے پھریں چاندی اور سونے کے حصول کے لیے، اور سونے کی انگوٹھیاں پہنے، اور مرد سونے کے مختلف زیورات کے حصول کے لیے اپنی شان محسوس کریں۔ ادھر ان لوگوں کو جنہیں عروج میسر تھا، وہاں میں روم کے دربار میں حضرت جسامہ بن مساحب کنانی نظر آتے ہیں، کنز المال میں ہے، کرسی پہ بیٹھے تھے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ نے پوچھا، لما نزلت عن الذی اکرمنا، کبھی کیوں اٹھ بیٹھے ہو اس کرسی سے جو ہم نے تمہاری شان کے لیے رکھی تھی؟ شاید تمہیں پتہ ہی نہیں کہ سونا اتنا بھی ہوتا ہے کہ کرسیاں بھی بنائی جاتی ہیں، اور تم سونے کے ادب کے لیے کھڑے ہو گئے ہو۔ حضرت جسامہ نے کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن مثل ھذا، میں نے اپنے نبی علیہ السلام سے سنا تھا سونے کی کرسی پر بیٹھنے سے منع کرتے تھے، تو میں سونے کی شان کے لیے نہیں، میں تو سونے کے فرمان کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں۔ آج کس قدر لوٹ کسوٹ کا زمانہ ہے، ہوس ہے، ہرس ہے، اور خود پرستی ہے۔ ادھر احد کا میدان ہے، روحیں نکل رہی ہیں صحابہ کی، پانی کی ضرورت ہے، پیالہ پہنچتا ہے تو ہر ایک یہ کہتا ہے، میری خیر ہے، میرے بھائی کو پلا دو، میری کوئی بات نہیں، اگلے کی طرف لے جاؤ، اگلے کی طرف لے جاؤ۔ ہر ایک یوں اشار کرتا ہے، اپنی جان کی بازی لگا کے اشار کر رہا ہے۔ عروج کا زمانہ وہ تھا جب عادتیں عروج والی تھیں، عروج کا زمانہ وہ تھا جب اخلاق عروج والے تھے، عروج کا زمانہ وہ تھا جب کردار عروج والا تھا، عروج کا زمانہ وہ تھا جب انسانیت عروج والی تھی، اور آج وہ آ گیا ہے زمانہ چھان قسم کی انسانیت والا۔ تو ہمیں عروج کے حصول کے لیے دیکھنا ہے اور پلٹنا ہے اس انداز کی طرف جو انداز صحابہ کرام علیہم رضوان کی مقدس سیرتوں میں موجود ہے۔ آج حکمرانی کس چیز کا نام ہے؟ عوام کے مسائل چھوڑنا اور وسائل ہڑپ کر جانا، عوام کا خون نچوڑنا، عوام کے ٹکڑے دلوں کے چبا جانا اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے، لوگوں کا خون پسینہ کا جو رزق ہے اسے پامال کر دینا۔ لیکن عروج کیا تھا؟ جب رات کے وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیوں میں چکر لگا رہے تھے، ہر ایک گھر میں عورت کو دیکھا جو چولہے پہ کچھ پکا رہی ہے اور بچے رو رہے ہیں، پوچھا کیوں؟ کہا پکا کچھ بھی نہیں رہی، صرف دلاسا دے رہی ہوں کہ انتظار میں بچے سو جائیں۔ امیر المومنین جاتے ہیں، اپنی پشت پہ بوری اناج کی اٹھا کے لاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے پھر اس دیگچے میں پکاتے ہیں، خود اپنے منہ سے نیچے جھک کے پھونک مارتے ہیں، گھنی داڑھی سے دھواں باہر نکلتا ہے، کھانا پکا کے پلیٹوں میں ڈال کے پھر پیچھے دیوار کے ساتھ چمٹ کے چھپکے سے چھپ کے دیکھتے ہیں، اور بچے جو رو رہے تھے کھانا کھا کے جب مسکراتے ہیں، حکمران شکر ادا کرتا ہے کہ میں نے اپنی رعایا کے دل کو خوش کر دیا ہے۔ آج ضرورت ہے ہر شعبے میں ان عظیم نفوس کی طرف توجہ کرنے کی جس کی بنیاد پہ آج ہمیں ترقی مل سکتی ہے۔ اب ستم یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ ہم ترقی حاصل کیا کریں، ہم تو ترقی کا معنی ہی بھول گئے، ہم نے تنزل کو ترقی کہنا شروع کر دیا، ہم نے ترقی کو تنزل کہنا شروع کر دیا۔ اس بنیاد پر آج انہی افکار صحیحہ کی روشنی میں ہم اپنے اس کھوئے ہوئے وقار کو حاصل کر سکتے ہیں اور اس کھوئی ہوئی منزل کو پا سکتے ہیں۔ ہم نا امید نہیں ہیں، اندھیرے بہت ہیں، پریشانیاں بہت ہیں،
उम्मत के लिए मसायब बहुत हैं, लुटेरे चोर और डाकू बहुत हैं, उम्मत के रस्तों पर दाएं बाएं घाटियों में बैठे हुए शैतान बहुत हैं। मैं फिर भी ना उम्मीद नहीं हूं, मैं मुतमइन हूं। अगरचे खराब है माहौल कि खजां के बाद का मौसम बहार होता है, इस वास्ते कि आज भी हमें उम्मीदें जो वाबस्ता हैं उनकी दलीलों में एक दलील मलिक मुमताज हुसैन कादरी जैसा इंसान है कि जिस वक्त आज मादा परस्ती का दौर है, हर एक को अपनी जान प्यारी है, हर एक को अपनी औलाद प्यारी है, हर एक को अपना आराम प्यारा है, हर एक को अपना कारोबार प्यारा है, हर एक को अपने रिश्तेदारों के साथ मुलाकात प्यारी है, मगर ऐसे माहौल में भी जिस वक्त एक शख्स ये सारे प्यार पीछे हटा के सरकार की जात से प्यार करता है तो पता चला उम्मत बांझ नहीं है, उम्मत अभी भी जरखेज है, उम्मत की फसलें अभी भी हरी भरी हैं, आज भी उम्मत में बेदारी मौजूद है, आज भी उम्मत में वो पहली वाली शान की झलक मौजूद है। देखो उस मर्द हक परस्त का किरदार और उसकी इस्तेकामत और उसके नजरिए के अंदर उसकी पुख्तगी, आज तक कितनी मर्तबा इंटरव्यू हुए और पेशी पर जोर दिया गया और अपने पराए वकीलों ने सारी कोशिश कर ली कि थोड़ा सा अपने मौकिफ में लचक पैदा करो, कोई थोड़ी सी बात तो बदल दो, कोई थोड़ा सा बयान तो तब्दील कर दो, मगर उस मर्द हक परस्त ने जो पहले दिन कहा था वही आज भी कहता है, इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। अल्लाह फरमाता है जो कहें कि रब एक है और फिर डट जाए, अल्लाह उन पर फरिश्तों का नज़ूल फरमा देता है। इस वास्ते बहुत खतरात और बहुत आफतें मिल्लत के खिरमन के दाएं बाएं डेरे लगा चुकी थीं, मगर ऐसे सपूत उनके किरदार से, वो गाजी आमिर अब्दुल रहमान हो, गाजी साहब के शकील जलाली हो, वो गाजी मुमताज हुसैन कादरी, वो गाजी इल्मुद्दीन शहीद, इस तरह के उम्मत के जो सपूत हैं उनके किरदार हमें हौसला बख्शते हैं कि आज भी अल्लाह के फजल से उम्मत के अंदर हिम्मत भी है, हुर्रियत भी है और हमायत दीनी भी है और गैरत और जुरत भी है, और इसके साथ साथ हक परस्तों के काफिले अब भी जो मंजिल की तरफ रवाना हैं उससे यकीनन दूर दूर तक उम्मत के माहौल की पुख्तगी का एहसास होता है। मैंने यूरोप के आफाक से ये पैगाम सुने, वहां पर बैठे हुए लोग जो हमारा ये प्रोग्राम सुनते हैं और साल हा साल से हमारे साथ वाबस्ता हैं, उनके नजदीक इस वक्त नमाज फजर के बाद नींद को छोड़ के कुरान सुनना, हदीस का बयान सुनना और रोजाना सुनना, इसमें ही बड़ा ताज्जुब है और यह देख के ही उनका हौसला बुलंद होता है कि उम्मत अब भी ऐसी बेदारी रखती है कि अपने काम काज से वक्त निकालना, रोजाना निकालना, नींद को छोड़ना, आराम को छोड़ना और दीन से प्यार करना और फिर दीन की पुख्तगी की बातें और पैगाम को वसूल करके आगे फैलाने का अहतमाम करना, इस तरह एक दूसरे से हौसला पहुंचता है, जिस पर मजमू तौर पर हमें मजमू उम्मत की जो शान शौकत है उसके फिर उसकी अजमत और उसके तकद्दस की बहाली की उम्मीदें पुख्ता है। और अल्लाह भी फरमाता है कि बाकी सब झाग है, इस्लाम हकीकत है, झाग उड़ जाएगा और इस्लाम फिर भी बाकी रह जाएगा और यही जमीन का वारिस है। इस वास्ते मैं यही कहता हूं, उसी पैगाम पर हर वक्त आगे चलता हूं कि आसमां होगा सहर के नूर से आईना पोश, फिर जुल्मत रात की सीमा पा हो जाएगी, फिर दिलों को याद आ जाएगा पैगामे सजूद, फिर जबीन खाके हरम से आशना हो जाएगी, शब गुरेजा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। इंशाल्लाह हमारा कल का मौजू बहुत अहम मौजू है, हक चार यार किस्त नंबर 3। इससे पहले 2 अकसात उसकी हो चुकी हैं और कल इस मौजू पे तफसीलन गुफ्तगू होगी। वाखिरु दावाया अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकबतुल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर, या क़ादियल हाजाति इक़दी हाजातिना, या शाफियल अमराद इश्फ़ मरदाना, या दाफियल बलियात इदफ़ अन्ना शर्रज़ ज़ालिमीन वल फ़ासिक़ीन। या इलाहल आलमीन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम मरतबा के तुफैल हमारी इस नशिस्त को कबूल फरमा और उम्मत को फिर उरूज अता फरमा।
या अल्लाह हमें जवाल के दलदल से निकाल के उरूज के मकामात पे फाइज फरमा, इस्लाम को गलबा अता फरमा, इस्लाम को शान अता फरमा, मुसलमानों को वकार अता फरमा, मुसलमान जहाँ के मजबूर व मजलूम हैं उनको जबर व जुल्म से निजात अता फरमा। या इलाहल आलमीन इस अशराए मगफरत के उरूज में उम्मत को उरूज अता फरमा। या अल्लाह जितने लोग बीमार हैं हजरात व खवातीन में सबको शिफा अता फरमा। या इलाहल आलमीन जो बे औलाद है उनको नेक औलाद अता फरमा, जो औलाद नरीना से महरूम है उनको औलाद नरीना अता फरमा, जो असहाब औलाद हैं उनको अपनी औलाद की सही तरबियत की तौफीक अता फरमा। हमारे आज के मेज़बान हाजी मोहम्मद आसिफ फारूक साहब, या अल्लाह उनकी इस कावश को अपने दरबार में कबूल फरमा और उनके वालिद मोहतरम मोहम्मद आजम साहब को इसका सवाब अता फरमा, उनकी कब्र पे रहमतों का नजूल फरमा। या इलाहल आलमीन जितने लोगों ने भी दुआओं के लिए कहा है बिलखसूस तनवीर अंजम साहब की, घर की सारी परेशानियों को दूर फरमा। या इलाहल आलमीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम मरतबा के तुफैल मौलाना मोहम्मद उस्मान लियाकत जलाली साहब को और मौलाना मोहम्मद मुफ्ती सलमान लियाकत जलाली साहब को सेहत कामिला आजला अता फरमा। या इलाहल आलमीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम मरतबा के तुफैल सबके हाल पे रहम फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान को इस्तेकाम अता फरमा और पाकिस्तान को आदिल हुक्मरान अता फरमा। या अल्लाह आज मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों को अपने रोशन माजी की तरफ मुतवज्जे होके मुस्तकबिल की तामीर की तौफीक अता फरमा। या रब वो दुआओं को अंदाज़े असर दे जो हस्ती मोमिन को अनवार से भर दे, फिर गूंज उठें जिससे मलाइक के नशेमन, इन खाक नशीनों को वो सोजे जिगर दे, दे शर्म हया जिस पे हर आन में पहरा, मिल्लत के जवानों को वो पाक नजर दे, दिया हजरत जहरा ने जो चादर को तकद्दस, इस कौम की बेटी को फिर उसकी कदर दे, घर छोड़ के आए हैं जो बज़्म हिकम में, इन ताज़ा शगूफों को तैबा का अबर दे, बेचैन है हर आन जो हर मैन की खातिर, इन इश्क के बंदों को तैबा का सफर दे, नामूस नबुव्वत पे हो जिसे कटने का सलीका, मिल्लत के जवानों को वो गर्दनों सर दे, थक हार के बैठे हैं जो तुंद हवा से, इन्हें ताकते परवाज दे, शाही का जिगर दे, आसिफ की इलाही तेरे घर में दुआ है, दे मौत शहादत की तैबा का नगर दे। या इलाहल आलमीन मेरे वालिदैन को शिफाए कामिला आजला अता फरमा। या अल्लाह गाजी मिल्लत मलिक मुमताज हुसैन कादरी को बाइज्जत रिहाई अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही खैर खल्किही सैयदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व सहाबी अजमाईन। अहबाब-ए-ज़ी